हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। आपको एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, और इस सेट के एलिमेंट्स दे रखे हैं, और एक फंक्शन दे रखा है जो ए सेट को एन सेट से लिंक करता है, ठीक है। और जो लिंक करने का फंक्शन है वो है दी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले मैं ए सेट के एलिमेंट्स लिख लेता हूं, जिसको यहां पर x कहा गया है। अब a सेट के एलिमेंट्स हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 और 16। अच्छा, इनको एक दूसरे सेट से लिंक किया जाना है जिसका नाम है n। और लिंक करने के लिए जो हमारे पास है यहां पर वो है फंक्शन। अब आपसे क्या कहा है, किस तरीके से दोनों सेट जुड़े हैं, दी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्स है ना। इन सभी के नामों को क्या बोलते हैं, हम एक्स बोलते हैं। सबसे पहला एक्स कौन है, 7। तो 7 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन होता है, 7 ही होगा। तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर 7 नेचुरल नंबर भी होता है। तो ये जो 7 है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 7 से लिंक कर रहा है, क्लियर हो गया। ऐसे ही 8, 8 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2। तो ये जो 8 है किससे लिंक करेगा, 2 से करेगा। 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होता है, 3। तो 9 किससे लिंक करेगा, 3 से। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, 5। तो ये 5 से लिंक करेगा। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होता है 11, तो वो 11 से लिंक करेगा। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होता है 3, तो ये 3 से लिंक करेगा। 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 13, तो ये 13 से लिंक करेगा। 14 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा 7, तो ये 7 से लिंक करेगा। 15 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा 5, तो ये 5 से लिंक करेगा। और 16 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा 2, तो ये 2 से लिंक करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफ एक्स इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स का मतलब क्या है। यहां पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो ए के एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट जो जितने भी हैं, ये एन के उन एलिमेंट से लिंक होंगे जो कि एक्स का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। मतलब इन सब के जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे लिंक हो रहा है यहां पर। तो अब देखें, यहां पर सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। और ये जिनसे लिंक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो काउंट करें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ रेंज में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।